हूँ आपकी मेजबान लारिफ खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा की बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम को मनसब संभालने की तकरीब कनाडा में मुनक्कद करने की दावत। मलका के इंतकाल पर 10 रोज यौम सौग का इनेकाद। कैनेडियन वजीर आजम और गवर्नर जनरल ने शाह चार्ल्स की बादशाहत की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। कंजर्वेटिव पार्टी कनाडा के सरबरा के इंतखाबात, पियर पोलेवर भारी अक्सरियत से कंजर्वेटिव पार्टी के सरबरा मुंतखब। कैनेडियन वजीर आजम की पियर पोलेवर को मुबारकबाद। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक बार फिर जंगलात में लगी आग बेकाबू। पूरे सूबे में 191 मकामात पर जंगलात की आग भड़क रही है। सैकड़ों अफराद के लिए इंखला के इंतबाहात जारी। मलका बरतानिया की वफात, कैनेडियन पार्लियामेंट सेशन मौखर। ऑस्ट्रेलिया में 22 सितंबर को सोग। शाह चार्ल्स ने मलका की आखिरी रसूमात पर 19 सितंबर को बैंक तातील की मंजूरी दे दी। मलका बरतानिया एलिजाबेथ डोम की सरकारी सतह पर 19 सितंबर को आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। अमेरिका की जारहाना पॉलिसी पर रूस और चीन के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। चीनी और रूसी सदूर की मुलाकात रवा हफ्ते उज़्बेकिस्तान में होगी। बड़ी कामयाबी का दावा, यूक्रेन ने खारकीफ में रूसी फौज को पसपा कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा की तरफ से नए बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम को दावत दी गई है कि वो ऑटोवा में शाह के नुमाइंदे के तौर पर काम करने वाली गवर्नर जनरल कनाडा की रिहाइश गाह पर अपनी बादशाहत संभालने की तकरीब का इनेकाद करें। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा की तरफ से नए बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम को दावत दी गई है कि वो ऑटावा में शाह के नुमाइंदे के तौर पर काम करने वाली गवर्नर जनरल कनाडा की रिहाइश गाह पर अपनी बादशाहत संभालने की तकरीब का इनेकाद करें। इससे शाह चार्ल्स की बादशाहत के मनसब पर बाज़ाब्ता तकरर के लिए एक तकरीब लंदन के सेंट जेम्स महल में हो चुकी है। ये तकरीबात रिवायती और प्रोटोकॉल्स बादशाह की तब्दीली के ऐलान का पता देती हैं। मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम के जुमेरात के रोज इंतकाल के बाद बरतानवी बादशाहत पर फायज होते ही वो बरतानिया समेत दौलत मुश्तरका के 14 ममालिक के भी रियासती सरबराह का मकाम पा चुके हैं। कैनेडा ने दौलत मुश्तरका रुकन मुल्क होने के नाते अपने यहाँ 10 दिन के लिए आयाम सोग के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। कनाडा माजी में बरतानिया की नौ आबादी रह चुका है, मगर आज भी दौलत मुश्तरका के बाज़ दीगर मेंबरान की तरह बरतानिया की बादशाहत से खुद को जोड़े हुए हैं। इस नाते कनाडा की काबीना के हालिया इजलास में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और गवर्नर जनरल कनाडा मैरी साइमन ने मुश्तरका तौर पर शाह चार्ल्स की बादशाहत की दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के अरकान ने ओंटेरियो के एमपी पियर पोलेवर को अपना नया लीडर मुंतखब किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के अरकान ने ऑन्टेरियो के एमपी पियर पोलियरो को अपना नया लीडर मुंतखब किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मुकाबला ज्यादा सख्त नहीं था। पोलियर ने पहली बेल्ट पर दस्तियाब पॉइंट्स के 68.15% मुतासर कुन के साथ आसानी से फतह हासिल की। एक फैसला कुन नतीजा जिसने दाएं बाजू और पॉपुलिस्ट सियासतदान को अगले आम इंतखाबात में मुतहदा पार्टी की क्यादत करने की मजबूत पोजिशन में डाल दिया। कनाडा के 338 इंतखाबी इजला में से पॉलीवर सिर्फ 8 में अपने अहम हरीफ साबिक क्यूबिक वजीर आजम जोआ शारे से हारे। सैकड़ों कंजर्वेटिव के हजूम से खिताब करते हुए जो अपने उम्मीदवार को सरबराह बनते हुए देखने के लिए जमा हुए थे, पॉलीवर ने उनके जख्मों को मुंदमिल करने की कोशिश की। एमपी ने क्यूबैक में 1995 के रेफरेंडम में हिमायत के वोट से लड़ने में मदद करने पर शौर्य का शुक्रिया अदा किया। पॉलीवर ने कहा कि आपने कनाडा को अपना प्रोजेक्ट बनाया है और हमारी कौम हमेशा शुक्रगुजार है। पॉलीवर से अपनी तकरीर में वासे किया कि मईशत उनकी पहली तरजीह होगी। उनका कहना था कि आज लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जेब, किताबों और जिंदगियों का कंट्रोल खो दिया है। आज रात एक पुरानी हुकूमत को तब्दील करने का सफर शुरू कर रही है जिस पर आपको ज्यादा लागत आती है और आपको कम डिलीवर करना पड़ता है एक नई हुकूमत के साथ जो आपको अव्वलीन तरजीह देती है।
कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में 191 जंगलात की आग भड़क रही है, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोगों को इनखला के इंतबाहात के साथ साथ अमन के इलाके में इनखला के अहकामात जारी किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया की लर्मैन लैंड और फ्रेजर वैली में हर तरफ धुएं के बादल छा गए। पूरे सूबे में 191 जंगलात की आग भड़क रही है, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोगों को इनखिला के इंतबाहात के साथ साथ अमन के इलाके में इनखिला के अहकामात जारी किए गए हैं। आग के सबब हाईवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मेट्रो वैनकोवर और फ्रेजर वैली के लिए हवा के मयार से मुतालिक एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया और अमरीका में जंगल की आग के धुएं से बारीक जर्रा की ज्यादा तादाद है। 65 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 12 हेलीकॉप्टर और 16 भारी साजो सामान आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं, जो पहली बार 30 अगस्त को दरियाफ्त हुई थी। हुकाम का कहना था कि जहां तक बारिश की पेशन गोई की जाती है, उसका कोई हकीकी अंजाम नजर नहीं आता, लिहाजा हम इस तरक्की को जारी रखने की तवक्को कर रहे हैं। ये मौसम गर्मा का मौसम बहुत खुश्क रहा है और हालिया दर्जा हरारत मौसमी औसत से ज्यादा रहा है। दिन के वक्त हमें सितम्बर का वो ठंडा दर्जा हरारत नहीं मिल रहा है जो हमें आम तौर पर मिलता है। हुकाम का कहना है कि अमला इमलाक की हिफाजत के लिए इकदाम कर रहा है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडियन पार्लियामेंट में जुमेरात को मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडियन पार्लियामेंट में जुमेरात को मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम को खराज अकीदत पेश किया जाएगा और मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात के पेश नज़र कैनेडियन पार्लियामेंट का ओपनिंग सेशन एक दिन तखीर से 20 सितंबर को होगा। मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम की वफात पर ऑस्ट्रेलिया में 22 सितंबर को शोक मनाया जाएगा और उस दिन ऑस्ट्रेलिया में आम तातील होगी। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के सदर योन विक योल भी मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम की सरकारी सतह पर 19 सितंबर को आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। इस हवाले से शाह चार्ल्स सोम ने आखिरी रसूमात के दिन बरतानिया में बैंक तातील की मंजूरी दे दी। लंदन से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मलका की आखिरी रसूमात वेस्ट मिनिस्टर एबे में होंगी। वाजे रहे कि आंजहानी मलका की ताजपोशी और शादी भी वेस्ट मिनिस्टर एबे में हुई थी। मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत को मदऊ किया गया है। अमेरिका की जारहाना पॉलिसी पर रूस और चीन के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। चीनी और रूसी सुदूर की मुलाकात रवा हफ्ते उज़्बेकिस्तान में होंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका की जारहाना पॉलिसी पर रूस और चीन के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। चीनी और रूसी सदूर की मुलाकातें रवा हफ्ते उज़्बेकिस्तान में होंगी। शंघाई तआवुन तंजीम के इजलास में रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत के सरबराह शरीक होंगे, जबकि ईरान और बेलारूस को भी दावत दिए जाने का इम्कान है। कोरोना वायरस की आलमगीर वबा के आगाज के बाद से चीनी रहनुमा का यह पहला गैर मुल्की दौरा होगा। चीनी सदर शंघाई तआवुन तंजीम के इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग शंघाई तआवुन तंजीम के इजलास के सिलसिले में रवां हफ्ते वस्ती एशिया का दौरा करेंगे और बुध को उज़्बेकिस्तान पहुंचेंगे। इजलास में मिस्र, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, मालदीव और दीगर ममालिक को मुज़ाकराती शराकत दार का दर्जा देने का भी इम्कान है, जबकि मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी फौज ने खारकीव से रूसी फौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया, जबकि रूस का कहना है कि हमने अपनी फौजें एक हिकमत अमली के तहत अस खुद वापस बुलाई हैं। खारकीव के मशरकी शहर अज़ियुम को रूसी फौज असलहा, गोला बारूद और अशियाए ज़रूरिया की तरसील के लिए लॉजिस्टिक बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के शहर खारकीव के दो अहम इलाकों बालाकलिया और अज़ियुम से रूसी फौजें वापस चली गई हैं। खारकीव में रूस का कब्जा रवां बरस मार्च से था, ताहम उन्हें यूक्रेनी फौज की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना भी है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान आरिफ खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।